दो उबले हुए आलू से बनाएंगे बहुत ही चटपटा नाश्ता। यह नाश्ता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस तरीके से जब घर में नाश्ते बनाएंगे तो बाहर का चाउमीन पास्ता खाना भूल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर दो पीस उबले हुए आलू लिए हैं और ये आलू जो है मीडियम साइज के हैं और यहाँ पर एक मैसर से इसे चूर लेना है। तो जब आलू को उबाल रहे हैं तो इसे थोड़ा ठंडा करके ही ले और ये देखिए इसे एकदम अच्छी तरह से मैश करना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से चूर लिए हैं तो इसे एक साइड कर लेते हैं, इस तरह से बीच में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच मैदा। तो मैदा की जगह पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या चावल का आटा भी इसमें ले सकते हैं। और इसे डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच तक नमक। तो नमक आप जब भी लें तो थोड़ा स्वाद अनुसार ही लें। और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसे इसी तरह से गूंथ कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अगर इसमें आपको मैदा की ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा मैदा या चावल का आटा और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसे एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो डो हमारा तैयार हो गया है तो इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर लिए हैं एक चकला और चकला पर इस डो को रख देंगे इस तरह से, थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे और इसे सूखा मैदा में इसे इस तरह से लपेट लेंगे ताकि जब इसे बेले तो ये चिपके ना। और ये देखिए इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। अब इसे चकला पर रख कर इसे बेल लेना है। तो इसे जब बेलेंगे तो एकदम हल्के हल्के हाथों से ही बेलेंगे और जितनी बड़ी हो सके उतना इसे बेल लेना है। रोटी की तरह इसे पतला नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम इसे अच्छी तरह से बेल लिए हैं। तो इसे बेलने के बाद इसकी मोटाई थोड़ी सी इतनी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, रोटी के साइज से थोड़ा सा मोटा। तो यहाँ पर लेंगे एक कांटे वाले चम्मच। कांटे वाले चम्मच में थोड़ा सा तेल या घी लगा लें और इस तरह से दबा दबा कर इस तरह से देखिए दबाएं, फिर बीच में रखेंगे, फिर दबाएंगे, फिर थोड़ा सा बीच में रखेंगे, फिर दबाएंगे, फिर बीच में रखेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे तो सभी में डिजाइन बन जाएंगे। और ये देखिए इसमें डिजाइन बना लिए हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बच्चों के लिए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो बाहर से जो पास्ते लाकर बनाकर खिलाते हैं उस तरह से लाकर खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे अब देखिए काट लेते हैं। तो एक घर में रखे चाकू से इस तरह से काट लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो इसे ज़्यादा देर तक रखना नहीं होता है। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसे अच्छी तरह से एकदम हल्के हल्के हाथों से ही काटना पड़ता है। आप चाहें तो इसके साइज में छोटा भी इसे कर सकते हैं। और ये देखिए थोड़े मीडियम साइज में कट कर लिए हैं। तो इन सभी को काट लेने के बाद एक पीस इस तरह से हाथों में उठाकर और इसे मोड़ लेना है। इस तरह से भी मोड़ सकते हैं या कोना साइड से भी इस तरह से गोल कर सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से सभी को बना लेना है। ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर एक कटोरे में आधा कटोरा पानी डालकर इसे खौला लिए हैं और इसमें सारे नाश्ते को बने हुए जो हैं एक एक करके इस तरह खौलते पानी में डालना है। और ये देखिए इसे जब भी डालेंगे तो खौलते पानी में ही डालना है और इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है, मात्र 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। पर ये बिल्कुल लग रहे हैं ना देखने में पास्ता के जैसे। तो यहाँ पर 2 मिनट तक हो गए हैं, 2 मिनट तक इसे पका लिए हैं। तो इसे एक झंझरे से निकाल लेते हैं और ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। तो इसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसी तरह से अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे आप 2 से 3 दिन तक बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर चढ़ाएंगे एक पैन और कटी हुई कुछ सब्जियाँ ले लेंगे। बारीक कटे हुए शिमला मिर्च है 2 चम्मच के लगभग और 2 चम्मच के लगभग होंगे बारीक कटे हुए प्याज। एक हरी मिर्च ले लिए हैं और 1 चम्मच तक बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 चम्मच तक बारीक कटा हुआ गाजर। पैन हमारा गर्म हो गया है तब इसमें डालेंगे 2 चम्मच तक तेल। यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। जब हरी मिर्च डालेंगे तो बच्चों के तीखे के अनुसार ही डालेंगे। अगर बच्चों को तीखा पसंद है तो और भी इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा भून लेते हैं, इसे थोड़ा चटकने देते हैं। थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज
और शिमला मिर्च और गाजर को भी डालकर थोड़ी देर इसे चला लेना है। इसे ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। अब इसमें डालेंगे नमक, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच तक डालेंगे रेड चिल्ली सॉस और 2 चम्मच डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस। इन सभी को डालेंगे तो हमारे जो पास्ता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। और 2 चम्मच डाल देते हैं टमाटो केचप, 2 से 3 चम्मच तक डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद लो फ्लेम पे इस तरह से मिक्स कर लेना है। इन सभी को जब बनाएंगे तो लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे उबले हुए पास्ते और पास्ते डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब इसे भूनेंगे तो लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे ही भूनें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से नाश्ता आप बनाकर बच्चों के लिए लंच में भी इसे दे सकते हैं। बच्चे बड़े चाव से ही खाएंगे। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और इसमें अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। तो धनिया का पत्ता डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। धनिया के पत्ते डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से पास्ता तैयार है। तो यहाँ पर प्लेट में निकाल लेते हैं एकदम गर्मा गर्म। तो इसे देखिए अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से जब पास्ता घर में बनाएंगे ना, तो बाहर के जो मैदे के पास्ते होते हैं वो लाना भूल जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, बिल्कुल एकदम पास्ता के जैसे लगेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी मेरी अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।